नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़रा हटके। देश में 75 साल में पहली बार देश का रुपया डॉलर के मुताबिक गिरकर 70 रुपया 41 पैसे के निचले पायदान पर पहुंच गया है। 75 साल में पहली बार देश का रुपया आईसीयू में है और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल की आयु को भी पार कर गया है। प्रधानमंत्री की आयु को पार तो कर ही गया। तीन बड़े कारण हैं। पहला कारण, देश में चारों तरफ महंगाई की हाहाकार है। पेट्रोल डीजल हो, खाने की वस्तुएं हो, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है और देश की अर्थव्यवस्था पर से विश्वास टूट रहा है। दूसरा कारण, देश में जो विदेशी निवेश आता है आने की बजाय देश से निवेश भाग रहा है, वापस जा रहा है। और उसके चार बड़े कारण हैं। पहला, चौतरफा भ्रष्टाचार। दूसरा, पॉलिसी पैरालिसिस। तीसरा, धर्म के आधार पर बंटवारा और देश में व्यापक अशांति। और चौथा, जो भारत सरकार ने और प्रांतीय सरकारों ने बेतहाशा कर्जा ले लिया है, उससे उनकी वित्तीय स्थिति खराब है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू रुपये के गिरने का है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मार्च और अप्रैल के 15 दिनों में 604 अरब डॉलर से गिरकर 536 अरब डॉलर रह गया है। केवल एक पखवाड़े में 15 अप्रैल तक, एक हफ्ता अगर मैं बताऊं, तो 31 करोड़ डॉलर का निवेश हिंदुस्तान से बाहर चला गया। 25 मार्च से 8 अप्रैल तक 3 से 5 करोड़ डॉलर देश से बाहर चले गए। देश में निवेश आने की बजाय देश का पैसा और विदेशी निवेशकों का पैसा भी देश से बाहर जा रहा है। तो महंगाई, फ्लाइट ऑफ कैपिटल यानी पैसे का बाहर जाना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कम होना, ये तीनों बहुत चिंता की बात हैं। रुपया आईसीयू में है और भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार केवल हिंदू मुसलमान टकराव पैदा कर देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर रही है। क्योंकि जिस देश में अशांति का माहौल होगा, जिस देश में नफरत का वातावरण होगा, जिस देश में धार्मिक टकराव होगा, जिस देश में पॉलिसी पैरालिसिस होगा, जिस देश में चौतरफा भ्रष्टाचार होगा, जिस देश में महंगाई की मार होगी, उस देश का रुपया बढ़ेगा कैसे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था पर, इस देश की जनता के रुपये पर आक्रमण बोल रखा है और उसका उनको जवाब देना पड़ेगा।